आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। चलिए इस मिशन को और कामयाब करते हैं। आज बनाते एक ऐसी रेसिपी जो आपने कभी सोची नहीं होगी, कभी खाई नहीं होगी। आज से 50 साल पहले जब पनीर स्टार्ट ही हुआ था, पनीर एक नई सब्जी आई थी जब घरों में, किचन में, तब पनीर में हम ये सब चीज़ें नहीं डालते थे। मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, मम्मी हमारे घर में कैसे पनीर बनाती थी आज वो रेसिपी बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पनीर बनाने के लिए टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, ये सब तो हमने ले लिया। पनीर के लिए कोई काजू नहीं चाहिए, कोई दही नहीं डलता था, ना ही मलाई, ना ही कोई क्रीम। सिंपल तरीके से बनता था। एक बढ़िया सी बात और बताती हूँ, जितना वेट इस पनीर का होगा उससे कहीं ज़्यादा इसमें आलू डलते थे। जी हाँ, आलू। इसको आप आलू पनीर भी कह सकते हो, इसे सिंधी पनीर कह सकते हो, इसे आप सरकारी पनीर कह सकते हो। इसे क्या नाम देना पसंद करोगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एक और बात, उन दिनों में कोई मिक्सी भी घर में नहीं होती थी, तब इसको कैसे बनाया जाता। चलिए, तो यहाँ लिया है मैंने 3 प्याज जिसे हम फाइन चॉप कर लेते हैं। सारे काम हाथों से होते थे वो टाइम। हमारी मम्मी, दादी, नानी जो भी थी, जो पनीर इतना बढ़िया या और भी कई सारी सब्जियां बनाती थी, तो बहुत मेहनत करके। और यकीन मानिए, आज भी मेरे घर में यह पनीर बनता है और सब लोग हम इससे राइस के साथ, रोटी के साथ इंजॉय करते हैं, बहुत आनंद आता है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। एक और बात, सबके घरों में उस टाइम ना तो कुकर थे, ना ही कोई गैस थे, अंगीठियों पे बनते थे और बड़े बड़े कढ़ाइयों में या बड़ी बड़ी हांडियों में ये सब्जियां बनती थी, जिसकी वजह से उसमें स्वाद भी बड़ा अमेजिंग सा होता था। तो यहाँ मैंने एक हांडी सी रख दी है, इसमें डालेंगे हम करीब 2 करछी ऑयल। अब हमें करना क्या होगा, पुराने ज़माने में गरम मसालों को, जो होल गरम मसाले होते थे, वो बहुत अच्छे से यूज़ किए जाते थे और वो भी ताजे कूट के। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 1 बड़ा चम्मच जीरा, 3 से 4 हरी इलायची जिसे हम छोटी इलायची भी कहते हैं, सिनेमन के टुकड़े 2 छोटे, 1 बड़ी इलायची, काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग और थोड़े से तेज पत्ते, कुछ तो मैं इसमें डाल दूँगी, थोड़ा सा बाद में कूट कर आखिरी में हम सब्जी में डालेंगे। तो पहले हम इसमें ये थोड़े खड़े मसाले हम डाल देते हैं। बाकी का जो बचा है उसे हम लास्ट में यूज करेंगे। मैंने बहुत सारे आपको पनीर की रेसिपी दी है, आगे भी और दूंगी। आपको उनमें से कौन सी पसंद आती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैंने बिना प्याज की, प्याज वाली बहुत सारी रेसिपी दी है, लेकिन इस बार मेरा मन किया जो मेरे बचपन का पनीर, जो मेरा पहला पनीर, हमने जो खाया, कैसे खाया, वो भी आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए। अब इसमें हम ये सारे प्याज डाल देते हैं। अब आपको यही टेंशन होगा, ये तो प्याज वाला पनीर है, बिना प्याज वाला कैसे बनेगा। बिना प्याज वाला भी नॉर्मल टमाटर से ही बनता है और उसे भी आप बना सकते हो अगर आप प्याज नहीं खाते हो। अब इसी प्याज में हमें अदरक और लहसुन को डालना होगा। उस टाइम मम्मी लोग के पास ना कोई मिक्सर तो होता नहीं था, या तो खलबत्ते पे कोई चीज़ कूटी जाती थी या फिर सिल पर कूटी जाती थी। तो प्याज को क्या करती थी मम्मी, इसे ना गोल्डन कलर तक फ्राई करती थी, उसके बाद इसमें जब टमाटर डालती थी ना स्लो गैस पर, वो अपने आप ही मैशी हो जाता था। तो वही हमें करना है, प्याज को हमें अच्छा भूनना है। अब चलते हैं पनीर को कट करने। और उस टाइम पनीर को कभी भी कच्चा नहीं बनाया जाता था, तो पनीर को हमें पहले पीसेस करके फ्राई करना है। मुझे लगता है ऑलमोस्ट बहुत सारी फैमिली में, सिंधी फैमिली में ये पनीर बनता होगा। किन किन की ये बनता है और खाया है मुझे ज़रूर बताना। यहाँ मैंने एक पैन रख दिया है जिसमें ऑयल गरम हो रहा है, इस पनीर को हम फ्राई कर लेते हैं। बचा हुआ पनीर भी हम फ्राई कर लेते हैं।
जब तक प्याज गोल्डन कलर का हो रहा है तब तक मैंने टमाटर को कट कर लिया है। 4 टमाटर मैंने बड़े बड़े ले लिए थे और पनीर तो फ्राई हो चुका है। अब दूसरे साइड में चावल, प्लेन राइस बना रही हूँ। इन पनीर के साथ ना हमारे यहाँ भुने चावल भी बनते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं पहले आपको रेसिपी दे चुकी हूँ साई भाजी के साथ, आप वो भी बना सकते हो। आज प्लेन राइस बना लेती हूँ, कई बार मैंने बनाए हैं, और फिर इसके साथ क्या करने वाले हैं वो देख लेते हैं। पहले प्याज मुझे इस कलर का चाहिए, ये देखिए, ये जो गोल्डन कलर का प्याज हो चुका है, ये देखिए। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, इसे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और डाल देंगे इसमें पूरी सब्जी का नमक। अभी मिर्च वगैरह मैं कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ और सिर्फ टमाटर और प्याज को अच्छा सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। इसे हम कवर कर देते हैं, स्लो गैस पर इसे पकाते हैं जिससे दोनों सॉफ्ट हो जाए। अब देखते हैं सब्जी को। पुराने जमाने में क्या होता था, इस जो टमाटर और प्याज है ना, इसको या तो हम आलू के साथ बहुत अच्छे से भूने तो वो भुन जाता था, या फिर जो मथनी होती दही वाली उससे भी इसको कूटा जाता था। ये मसाला जो है इस तरीके से मैशी हो गया है। अब चलते हैं इसमें हम मसाले डालने के लिए। 1 चम्मच छोटा सा हल्दी पाउडर, 2 चम्मच छोटे धनिया पाउडर, बहुत थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्ची, नमक हम ऑलरेडी पहले डाल चुके हैं, थोड़ा सा जीरा पाउडर। अब बारी आती है उस आलू की, जो कि सब्जी को काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में बना देता है, जितना पनीर उससे कहीं ज़्यादा आलू। अब आलू को कट करके हमें इसमें डालना होगा। चावल भी पक से गए हैं, अब इसे गैस स्लो कर देते हैं। आलू को इस तरीके से इतने इतने पीसेस के कट करते थे और इन्हें पानी में डालना है। तो लीजिए, ढेर सारे आलू के साथ पनीर आप पहली बार खाएंगे। इस सारा आलू इस मसाले के अंदर डाल देते हैं। अब बारी आ जाती है इसकी भुनाई की। बस जैसे जैसे ये भुनता जाएगा, मसाला पूरा मैश होता चला जाएगा और ये गाढ़ा रसा बनेगा, ये रसेदार बनता है पनीर। और इसमें भी अभी हमें क्या करना होगा, अभी थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने मसाले के अंदर डाल दिए वो सारे आलू, और आलू डालने के बाद इसमें थोड़ा सा डल गया है पानी। पानी डालने के बाद हम इसे स्लो गैस पर ढक कर पका लेते हैं। जैसे जैसे वो मसाला आलू आपस में पकेगा, आलू मतलब अच्छा सा सॉफ्ट हो जाएगा, तब तक इसे हम पकाएंगे, और बीच बीच में एक दो बार हम मिक्स भी करेंगे। करीब करीब 10-15 मिनट इसमें लग जाएंगे, पर मैं नहीं कहूँगी कि ये सब्जी आप इतना टाइम देकर आप बनाइए। पुराने ज़माने की बात और थी, उस वक्त लोगों के पास टाइम था, आज लोगों के पास टाइम नहीं है। आप यही सारी चीज़ें कुकर में फटाफट में भी बना सकते हो। तो मैंने तो इसे उसी तरीके से बनाया, इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। चावल भी ऑलमोस्ट पक गया है, ये देखिए। चावल का गैस बंद कर देती हूँ और इसे 15 मिनट और पका कर फिर मैं मिलती हूँ। कम से कम 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, अब सब्जी को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है और बहुत ही अमेजिंग सी लग रही है।
आलू जो है 80% कुक हो चुका है। अब गैस की फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को पुराने ज़माने में भी यूज़ किया जाता था। थोड़ी सी डालते हैं हरी मिर्चें और जो गरम मसाला है मैंने कूटा था वो भी डाल देते हैं। अब यहाँ डालेंगे ये पनीर जो हमने फ्राई किया हुआ था। एक और टिप दूंगी आपको, अभी तो ये बहुत ही बेस्ट है, सॉफ्ट है पनीर, बहुत ही बढ़िया है। कभी आपका पनीर टाइट हो जाता है तलने के बाद, तो आप थोड़ा सा गुनगुना पानी लीजिए और नमक डालकर उसमें ये पनीर को डालकर आप ढककर जब रख देते हो तो पनीर बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो ये पनीर अब अच्छे से भुन गया है, अब इसमें डाल देते हैं हम पानी। पानी आपको कैसा रसा चाहिए, कितना रसा चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। ये इतना ग्रेवी तो हमें चाहिए ही होगा, लेकिन थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो इसमें हमने पानी डाल दिया है, अभी ये थोड़ा और पकेगा, जो 20% कसर है आलू में वो भी सॉफ्ट होगा इसके अंदर, और पनीर मसाला सब मिक्स होके पक रहा है। आपने देखा ना, कोई मिक्सी यूज़ नहीं की है, कोई हमने काजू यूज़ नहीं किए। काजू पुराने ज़माने में डालते भी थे तो फ्राई करके किसी सब्जी में ऊपर से डाल दिया करते थे, कभी भी अंदर ग्रेवी में नहीं डाला जाता था। और क्रीम तो पता ही नहीं था, क्रीम कोई नहीं डालता था, दही नहीं डालता था, मलाई नहीं डालता था। इसी टाइप से बनती थी और जो स्वाद आता था ना धीरे धीरे पकने का, वही बड़ा अमेजिंग था। कैसा लग रहा है आपको ये पनीर? मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, मतलब आज लग रहा है कि मम्मी के हाथ का खाना आज हम खाएंगे। तो बस इसमें उबाला शुरू हो गया, अब स्लो गैस कर देते हैं। थोड़े धनिए को डाल देते हैं बारीक कटे हुए को, और इसे हम कवर कर देते हैं 5 से 10 मिनट, जब तक चाय पी लीजिए, शाम हो गई है और ये भी पक जाएगा। तो यहाँ देखिए सब्जी बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है, इसका कलर बहुत ही अमेजिंग है, नॉर्मल पनीर से बिल्कुल अलग। जो आज तक आपने ढाबों में, रेस्टोरेंट में, होटल्स में कई जगह पनीर खाया होगा, शादियों का, पार्टियों का, लेकिन ये पनीर नहीं खाया होगा। तो इसका आप टेस्ट भी कीजिए और बनाकर जरूर देखिए, बहुत ही परफेक्ट है। और इस पनीर को आप सादी रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, जिसके साथ आप खाना चाहें, और बगैर प्याज भी ये बना सकते हैं। देखा ना आपने, पुराने ज़माने में जब बड़ी फैमिली हुआ करती थी तो सब्जी को कैसे बढ़ाते हैं, वो सिर्फ आलू डाल डाल के उसे बढ़ाया जाता था। सब्जी बन चुकी है, चावल बन चुके हैं, इसे मैंने लगा भी दिया है, और सिर्फ साथ में एक पापड़ मिल जाए तो बस ये रेसिपी पूरी हो जाती है। इसे आप कब बनाएंगे, कैसी लगी आपको, कॉमेंट करके ज़रूर बताइए।